Live update. गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वक्त पीवीआर मल्टीप्लेक्स से, जहाँ पे बस थोड़ी देर पहले प्रेस मीट चल रही थी मूवी मुक्ति भवन की। ये मूवी जो है वो 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर्स आदिल हसन एंड ललित बहल सर इस वक्त कोलकाता शहर में, और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे। अदिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता शहर में। कोलकाता शहर में मेरा आना और जाना तो हमेशा होता है और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड वी हैव कम टू शो आवर फिल्म टू शेयर। ललित जी इज विथ मी। ललित सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप दोनों को और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। इंटरनेशनली इस मूवी को काफी लोगों ने पसंद किया है, 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। कुछ कहना चाहेंगे मुक्ति भवन के बारे में? मैं चाहता हूँ कि ललित जी पहले बात करें, वो मेरे पिताजी का रोल किए हैं। सर आप फिल्म में आप कई बार देखेंगे मुझे बात नहीं करने देता बात नहीं करने देता और फोन में ज्यादातर लगे रहते हैं, नमक कम है खाना में और लगे हुए फोन। मुक्ति भवन मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। अभी मैं जैसे जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले भी कि सुभाषीष जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी ये पहली फिल्म है और ये फिल्म मतलब हमको भी नहीं लगता कि उनकी वो पहले फिल्म की तरह से, मतलब जो द काइंड ऑफ मैच्योरिटी द पर्सन है और सब्जेक्ट को जितना इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग तरीके से तो मैच्योर सब्जेक्ट को हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों का इसमें एज एक्टर मौजूद होना ये हमारे लिए बड़ी मतलब सौभाग्य की बात थी और बहुत ही अच्छा पूरी डायमेंशन के साथ स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा स्कोप था और एज एक्टर मुझे लगता है एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था आदिल के लिए। तो मतलब मैंने कैसे लगा, मुझे बड़ा लगा कि बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था और राउंडेड कैरेक्टर था, मतलब ऐसा नहीं था कि यूनिडायमेंशनल से ऐसी चीज़ें। तो एज एक्टर उसमें काम करना बहुत इंजॉय किया और रिलेशनशिप की बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो इस फिल्म में देखी जा सकती हैं। बड़ा मैच्योर एक्सपीरियंस था और टीम बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने जब शूट किया तो बहुत सब लोग बहुत मेहनत से बड़ी जान लगा के इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे थे। आदिल आप क्या कहते हैं? आदिल सर आपसे जानना चाहूंगा मैं, इस मूवी की जब बातें हो रही है तो फादर और सन के रिलेशन को दिखाई गई है जो हर घर की कहानी है हम कह सकते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आई मीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट फिनोमेना, फादर सन रिलेशनशिप। फादर मदर इज अ डिफरेंट, सॉरी सन एंड मदर इज अ टोटली डिफरेंट रिलेशन। जो ललित जी कह रहे थे कि वहाँ पर कि उनका जो प्यार जो है यहाँ गर्भ में रहने से वो शुरू ही होता है, लेकिन पिताजी के साथ जो सन का रिलेशनशिप है, खास करके नॉट डॉटर्स बट सन रिलेशनशिप, इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। होता कि ये बंदा कहाँ से आ गया वो तो है ही है, और जैसे ही पैदा होता है मदर इज मोर डिवोटेड टू द सन देन द हस्बैंड, यू सी व्हाट आई मीन। सो देयर इज अ टेंशन देयर अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज दैट्स व्हाट आई गेस हैपेंस, बिकॉज व्हेन माय सन वाज बोर्न एंड सडनली आई सी माय वाइफ इज नॉट अवेलेबल फॉर मी एनीमोर, शी इज लाइक ही इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट मी, आई केम इनटू योर लाइफ बिफोर, आपकी जिंदगी तो पहले आया यार, आप वो 10 दिन हुआ है फिर आप उनको। So I don't know what are the other reasons, but there are always certain tensions which also happens between काफी सारे relationship में भी इस किस्म के tensions रहते हैं, not only father and son, but father son is a very very unique unit in a family जहाँ पर काफी सारे drama होते हैं, बहुत सूक्ष्म भी, सूक्ष्म क्या कहते हैं इसको, हाँ सफल होता है वो और कभी कभी बहुत ड्रामेबाज होता है। तो इस subject को लेकर के और खास करके उसके साथ जो मृत्यु का संपर्क है उसको लेकर के सुभाषीष ने जो इतना बढ़िया जाल बिछाया है, उन्होंने उसको बोया है, ढोया है भी है खुद ही, हम तो एक दो उसका कंपोनेंट है जो उसके बाकी सारे जो है कैरेक्टर्स, रिदम, म्यूजिक, लुक, मूड, राइटिंग, डायलॉग्स, सबको लेके सोचना इस उम्र में। मैं तो सोचता था मैं 25 साल का हूं, मैं क्या कर रहा था, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट गर्ल्स आई गेस। लाइफ एंड डेथ जैसे सीरियस सब्जेक्ट को इतना एंटरटेनिंग ढंग से डील करना, लूजिंग द डेप्थ, मतलब हैरान करने देने वाली बात है।
और आप मतलब जो लोग सुन रहे हैं जब ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक नया जैसे हम लोगों को हुआ है काम करते हुए, और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है। आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट हैड बीन डेल्ट विद इन अ नेचर इन दिस पर्टिकुलर वे। इस किस्म के सब्जेक्ट जो उसको उसका जो गंभीरता है, उसका जो यू नो ब्यूटी है, ये सारे चीज़ों को लेकर के आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वन काइंड ऑफ फिल्म दैट फर्स्ट टाइम एनीबडी हैज डेल्ट विद इट इन अ ब्यूटीफुल। सुभाषीष के बारे में तो हमारी बातें होगी, काफी अच्छे डायरेक्टर है। आप दोनों भी हमेशा तो मेरे फेवरेट रहे हो, एक दूसरे के बारे में कुछ कहना, क्योंकि हम जानते हैं कि ललित सर भी काफी अच्छे एक्टर हैं, आप तो माशाल्लाह सबसे अच्छे हैं, आप तो वर्सेटाइल हैं। कुछ कहते जाइए ललित सर के बारे में, और मैं चाहूंगा ललित सर कुछ कहें अदिल सर के बारे में। मैं तो जैसे ही मुझे दिखाया फोटोग्राफ सुभाषीष ने, आई हैवंट सीन हिज तितली, सो आई हैड नो आइडिया। उसके बाद फिर पता चला कि अच्छा एनएसडी में हमारे रेपर्टरी में रह चुके थे बहुत पहले, 80s में ना। हाँ, 80s। और फिर हम जब मिले, एंड एज़ सून एज़ आई सॉ हिज फोटोग्राफ आई वाज लाइक, हाँ, ही कुड बी माय फादर, एंड इफ ही वाज मैरिड इन द एज, काफी कम उम्र में शादी करना पड़ेगा, और अगर सचमुच आप मेरे पिताजी बनेंगे, इज नॉट, इज प्लेइंग अ ओल्डर कैरेक्टर देयर, इज नॉट ओल्ड। और उसके बाद फिर हम एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर दिया, और ही वाज such a person that I'm like, oh wow, this is you know, mere khayal se abhinay jaise ek cheez aisa hai jo hamesha, it's like aap lete hain, aap dete hain, give and take always, and with a generous actor like him it was like pyar bhara jo sampark hota hai na, us kisim ke hai, aur uska jo satyata hai, jo usme satya dhoondne ka us moment mein jo mujhe mehsoos ho raha hai, to inhone phir mujhe diya, मैंने बोला अरे ऐसे ऐसे दे रहे तो हम ऐसे देते हैं, तो बहुत ही यू नो, इट हैड बीन सच ए ग्रेटफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। मेरे लिए तो आदिल के साथ काम करना सचमुच में एक्सपीरियंस है, और मैं विश करूंगा कि मुझे फिर से दो बार, तीन बार, चार बार मुझे मौका मिले फिर काम करने के लिए। जब सुभाषीष ने मुझे कास्ट किया है फिल्म के लिए तो एंग्जाइटी रहती कि अपोजिट में कौन कैरेक्टर कर रहे हैं, तो फिर मुझे बताया गया कि ये आदिल हुसैन करेंगे। अब आदिल हुसैन को मैं जानता था भाई ने, और फिल्में भी देखी थी, और ये भी मालूम था कि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ मैं काम करता रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ से पास आउट। तो फिर से मैंने एक दो बार इनकी फिल्में आफ्टर कास्टिंग देखी कि किस एक्टर के साथ मुझे काम करना है अभी, तो आई फाइंड हिम वेरी मैच्योर एक्टर। तो जैसे शुरू शुरू में कोई भी रिलेशनशिप में आप टेंशन होती है जब तक आप पूरी तरह से नहीं जानते, तो आई वाज सिंगिंग इज इंटरनेशनल एक्टर भाई, वो फिल्म में काम किया और अच्छी फिल्मों में काम किया था, और अच्छा काम किया था, और पर्सनली मैं इनकी जो इश्किया फिल्म जो थी वो मैंने रूटीन में देखी हुई थी, तो उससे जब मैंने पहली बार एज कैरेक्टर देखा था तो मैं उस वक्त फिल्म देखते हुए बहुत इम्प्रेस हुआ था, तो मुझे लगा ये बॉलीवुड में और हॉलीवुड में काम करने वाला एक्टर में भी बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उस तरह की प्रेपरेशन के साथ मैं सेट पे आया, और एक दो रीडिंग में तो बड़ा फॉर्मल सा एटमॉस्फेयर होता है शुरू में जो रीडिंग की, तो रीडिंग करके चले गए हम लोग, तो चले गए, तो मुझे लगा कैसे ये रोल किया जाएगा बातें तो वही नहीं रही तो मतलब एक्टर्स को कॉम्प्लेक्स होता है तो बिगनिंग में, लेकिन फिर जब हम सेट पे हमने शुरू में पहला दिन जब काम करना शुरू किया, मैंने देखा अरे ये तो वेरी सिंपल मैन, एंड मतलब ही वाज लवेबल, मतलब दोपहर आते आते शाम तक मुझे लगा यार ये तो बड़ा इजी है इसके साथ काम करना, तो ही वाज थ्रू आउट ही वाज वेरी हेल्पफुल, और तब कभी मुझे लगता था कि मतलब बहुत जल्दी ऐसा सिचुएशन आ गई जहाँ मुझे ये लगना शुरू हो गया अरे इज माय रियल शान, और आपने वो रोल लिव करना शुरू कर दिया। आई थिंक उस रोल में ले जाने में आदिल ने भी बहुत हेल्प की मेरी, मतलब एकदम से शुरू शुरू में ही आप फील करने लग गए कि इट्स अ ट्रूथफुल रिलेशन। फिर उसके डायमेंशन निकालने में हम लोग बैठे रहते थे रीडिंग में और इम्प्रोवाइजेशन होती थी, और सुभाषीष बहुत हेल्पफुल थे, उनकी अंडरस्टैंड जहाँ हम दोनों थोड़ा इधर उधर होते थे तो वो आके पकड़ के रास्ते पे डाल के चले जाते थे,
और इम्प्रोवाइज करने का समय देते थे और इम्प्रोवाइज करने की इजाजत देते थे, वरना आदमी स्टिक कर जाता कि नहीं यही स्क्रिप्ट है यही बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था. तो वी एंजॉयड द रोल. आई थिंक आदिल और मैंने दोनों ने बहुत बहुत एंजॉय किया रोल को. मस्ती है और वो रिलैक्सेशन जो कैरेक्टर्स की वो मुझे लगता है दिखाई देनी चाहिए. अली सर, जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ वो जो एक इंसिडेंट था छोटा सा जो आपके साथ ऑफ एयर बात हुई थी, आपने बताया कि आपने अपने फ्रेंड्स को दिखाई थी ये मूवी और उन्होंने काफी अच्छी एक कमेंट दी थी, वो अगर हमारे साथ शेयर करते जाए. बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि कलकत्ता के जो अमेजिंग दर्शक जादेर बोला जाए, আমি বলছিলাম আর কাউকে যে আমার মনে আছে মোহনবাগানে খেলা দেখতে এসেছিল আমার দাদার শ্বশুর. তুমি বলছিস দাদার শ্বশুর পান খাচ্ছে, পান খা রে থে তো এক গোল কিছুনে কর দিয়া তো উনকো ফির চার বার পান খেলা খেলা পান খাওয়ার গোল. সো দিস কাইন্ড অফ প্যাশনেট দর্শক অ্যান্ড অলসো ফুটবল বা ক্রিকেট বা ভালো ছবি যেখানে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় এখানে, তো লোক সকাল থেকে তার আগের দিন থেকে দাঁড়িয়ে থাকে. তো এই ধরনের দর্শকের সামনে এই ধরনের এই ছবিটা মনে হচ্ছে যে ওদের জন্যই করা হয়েছে. তা আমার এক তিনজন মেরে যে দোস্ত হ্যাঁ চার জনে মেরে জার্মান ফ্রেন্ডস, দোজ ওয়ার দ্য ক্রু মেম্বার্স অফ দ্য নরওয়েজিয়ান ফিল্ম দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাক্টিং ইন লাস্ট মান্থ. তো উনকো লেকে মে চলা গিয়া ওয়াহ দেখো ইয়ার মেরা ফিল্ম হ্যাঁ 10 বজে হ্যাঁ সুবহ স্যাটারডে কো স্যাটারডে সানডে হাম ওয়াহ কাম নেই করতে হ্যাঁ তো হমনে দেখে ফিল্ম তো ওয়াপস আয়ে বাহার আগে চুপচাপ খড়ে হ্যাঁ মানে ইয়ার ইনকো শায়দ কুছ সমঝ মে নেই আয়া হম ইন্ডিয়ান সিচুয়েশন হ্যায় ফাদার সন কা জো রিলেশনশিপ হ্যায় পুরা ইটস এ ভেরি ইন্ডিয়ান ফিল্ম না. তো মে যাকে হিচকিচা কর যাকে মানে পুছা কি আপকো হাউ ডু ইউ লাইক দ্য ফিল্ম, হি জাস্ট সেড দ্যাট I'd like to just call my father right now. So that is a biggest, that's one of the biggest compliments, that it touched and moved them and made them look at their relationship with a beauty, with some affection, with empathy. Ki hum log do opposite view ho sakta hai, lekin reconciliation jab hota hai to sabse bada jab khushi hoti hai jab do opposite view wala banda jo hai ya desh agar ho sakta hai to hamare jo on surface it look Indian film but it's a universal film. When I say Indian, so when you go deeper into any uniqueness you become universal. Ke tab har ek se baat karta hai, har ek jane se sampark karta hai. To main chahta hu ki Kolkata ke darshak jo seat mein baitha ho wo apne bilkul father ya son ko dekh pa raha hoga. So I want the Calcutta audience ki why bhar unke apne maa aur pitaji ko leke aaye, parents ko leke aaye, bhai ko leke aaye, bahut sundar film hai, unko dekh ke bahut mazaa aaya. Family drama, basically family ki film hai puri, matlab aur puri family ko agar mil ke baith ke dekhne mein koi hesitation nahi hona chahiye. Universal certificate, soft film, bahut interesting hai. मतलब ऐसी फिल्में बहुत देर बाद मिलती हैं कि जो पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखी जा सके. और जी मैं आपको बंगला बोल रहे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे भी किसी बंगला फिल्म में काम करना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग है ना. थैंक यू सो मच ललित सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातें करके. ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वक्त पीवीआर मॉल से, जहाँ मैं बता दूँ कि पीवीआर मल्टीप्लेक्स में थोड़ी देर पहले प्रेस मीट चल रही थी मूवी मुक्ति भवन की. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो. Friends FM 91.